कॉन्स्टिट्यूएंसी, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी और असम्बली कॉन्स्टिट्यूएंसी के हमारे जो कन्वीनियर देवराज शर्मा जी हैं, हमारे सरपंच हैं गुंडी के, और भी लोग यहाँ आए हुए थे जिसका मैं प्रभारी हूँ, और यहाँ पे हम जिस हिसाब से मिले उस इलाके की जितनी भी डिमांड्स थी डेवलपमेंट्स कंसर्निंग और जितनी भी और हमारे लोगों को जो दिक्कतें आ रही हैं वो हमने डिस्कस की और डिटेल में डीसी साहब को एक मेमोरेंडम दिया कि उन्होंने वो मेमोरेंडम एक्सेप्ट कर लिया और इस तरह से हमने सब लोगों को यहाँ बुलाया और ग्रास रूट लेवल जो हमें दिक्कतें आ रही हैं वो हमने यहाँ बताई। डिटेल में हमारे कन्वीनियर साहब आपको बताएंगे कि क्या क्या हमने वहाँ डिस्कस किया और क्या क्या हमारी डिमांड थी। साहब रजौरी से मिले और बुद्धल असम्बली कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जितने भी लोगों की डिमांड्स थी वो उसके जनाब डी साहब के आगे रखी हैं हमने एज ए मेमोरेंडम की शक्ल में। उसमें जो मेन हमारी डिमांड्स थी वो थी ख्वास हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल जो है वो पिछले 6 महीने से नहीं है और वो पोस्ट वैकेंट है और 6 लेक्चरार की पोस्टें भी वहाँ वैकेंट हैं, उनको फिलअप करने के लिए हमने रिक्वेस्ट की है। और ख्वास एक बहुत ही बड़ा फार फ्लंग एरिया है इस ज़िला का और वहाँ PHC है और हम DC साहब के और गवर्नमेंट के हम मशहूर हैं कि वहाँ अल्ट्रासाउंड मशीन और एक्सरे मशीनें वहाँ इंस्टॉल की गई हैं लेकिन उनको ऑपरेट करने वाला वहाँ कोई नहीं है। हमने ये रिक्वेस्ट की है कि वहाँ एक्सरे टेक्नीशियन और सोनोग्राफर है जो वो वहाँ भेजा जाए। दूसरी जो हमारी मेन प्रॉब्लम है, कोटरंका डिग्री कॉलेज पिछले 2 सालों से विदाउट बिल्डिंग वहाँ फंक्शन कर रहा है और उसकी लैंड की जो सिलेक्शन है वो अभी तक नहीं हुई है। हमने DC साहब से ये गुजारिश की है कि वहाँ एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके जल्द से जल्द वहाँ लैंड है जो वो लेके बिल्डिंग स्टार्ट की जाए, जिसके लिए पैसा भी सेंक्शन हो चुका है। तो बाकी जो रोडों की वहाँ बड़ी खस्ता हालत है उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया और कुछ एक एरिया ऐसा है कि यहाँ आज तक भी बिजली का पोल है जो वो नहीं लगा, हालांकि गवर्नमेंट ने पीछे जो एक सौभाग्या स्कीम के तहत एक थ्रू आउट इंडिया एक योजना चलाई थी जिसमें हर घर को बिजली देनी थी, लेकिन इस ज़िला के अंदर उस स्कीम में बहुत बड़ा स्कैंडल है और आज तक भी बहुत सारी बाड़ें ऐसी हैं बुद्धल कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जहां लकड़ के पोल खड़े किए हुए हैं और क्रेटों की तारें लगा के लोग घरों में बिजली लगाई हुई है, वो भी हमने यहां डिस्कस की है। एक जो हमारा यहां मेन इशू है कि यहां टेंडरिंग होती है, ठेकेदार टेंडर डालते हैं, जिस प्रोजेक्ट की कास्ट 1 करोड़ रुपया होती है उसको वो 40 लाख में ले लेते हैं और 40 लाख में जब लेते हैं तो उनको CDR है जो वो 4-5 गुना ज़्यादा जमा करवानी पड़ती है। कुछ एक ठेकेदार ऐसे भी यहाँ हैं PWD के अंदर जिन्होंने वो टेंडर लिए हैं, CDR करोड़ों के हिसाब से बनती है लेकिन उन्होंने CDR अभी तक जमा नहीं करवाई है और जहाँ के जो ऑफिशियल हैं AEE साहब हैं और JEE साहब हैं उन्होंने